अ क्वीन ओनली. एक्चुअली वो जो ड्रीम था वो कम ट्रू हो गया है. थैंक्स टू अखिलेश सर, दीप्ति मैम एंड सिद्धेश सर कि हम लोग को ये क्राउन पहनाया गया है. और कैसा महसूस जब क्राउन आपकी लगा, तो कैसा महसूस हुआ? लाइक जो हेवन में स्पेशल फीलिंग, फीलिंग भी अभी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है. वेरी गुड फीलिंग. अखिलेश जी क्या कहना चाहिए, आज क्राउन दिया गया है, बहुत ही मनोरंजन महिला दिवस के लिए आपके काफ़ी प्रोत्साहन करने के लिए आपने, मैंने ऑलरेडी आयोजन किया था, और क्या कहना चाहिए आज? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सभी का, आप लोग आए. दरअसल मैं आज बुलाने का कारण ये था कि कुछ हमारे से उस दिन 26 जुलाई को जो हमने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया दादा साहेब फाल्के और मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया 2021, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था जिसके लिए आज हम लोग यहाँ क्लियर करने बैठे. मिकिता निसार जी हैं, उनका टाइटल किसी और को चला गया था और इनका टाइटल किसी और को चला गया था, जिसके वजह से आज हम लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा. तो मिकिता जी, आई एम वेरी सॉरी कि वो होता है, काम ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं इतने लोग थे, इतने वो था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. खैर, बहुत अच्छा शो रहा, बहुत बढ़िया रहा, बहुत खूबसूरत लग रही थी लड़कियाँ स्टेज पर, और वीडियो फ़ोटो सब सारा बहुत अच्छा था. जिन्होंने भी देखा सभी ने सराहा, बहुत लोगों ने तारीफ़ की, बहुत कमेंट आ रहा है, बहुत वायरल हो गया है ये इवेंट हमारा दादा साहेब फाल्के, और उससे भी ज़्यादा हमारा मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया ये बहुत पॉपुलर रहा, बहुत हिट रहा. तो थैंक्स टू सिद्धेश यादव कोरियोग्राफर जो थे, और दीप्ति बोरा जी जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही पेन लिया था इन लोगों ने इस शो को ग्रैंड बनाने के लिए. तो मैं इन दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े और हम लोगों ने एक सक्सेस ग्रैंडफुल इवेंट किया, और फ्यूचर में भी हम आगे भी करते रहेंगे. जी मैम, क्या कहना चाहिए, आपका जो इवेंट था काफ़ी ग्रैंड सक्सेस हुआ, साथ ही साथ आपने जिस तरह से ग्रूमिंग की वो बहुत ही काबिल तारीफ है. मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी ग्रूमिंग कर पाई आप लोग. जब मैंने फर्स्ट टाइम कंटेस्टेंट को देखा था, मतलब जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, मुझे नहीं लगा था कि इतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी जब मैंने रैंप वॉक में देखा. तो क्या कहना चाहिए, मतलब बहुत हार्ड वर्क करवाया आपने लोगों से. बहुत, ये एक्चुअली हमारा काम ही है ग्रूमिंग करना, और बोलते ना कि जो 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 काम अच्छा लगता है उसे, वो काम करने के, वो काम को और बेखुदी ब्यूटी देने में हमें बहुत अच्छा लगता है. और यस, कंटेस्टेंट ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया. जैसे जैसे मैं और सिद्धेश उनको बता रहे थे, उनको सिखा रहे थे, वैसे वो हमें फॉलो भी कर रहे थे, और जितना हम उन्हें इतने सिखा रहे थे, इतना ही डेडिकेशन से वो भी हमारी हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन से वो फॉलो कर पाए, इसके लिए वो रिजल्ट आपको स्टेज पे दिखा और बहुत सक्सेसफुल दिखा. सर क्या कहना चाहिए, बहुत ही अच्छी ग्रूमिंग आप लोगों ने की, क्या कहना चाहिए और आज के बारे में? फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेट टू मिकिता निसार. थैंक यू सर. एंड सेकेंड थिंग ये बोलना चाहूँगा कि आधा तो दीप्ति जी और अखिलेश जी ने कवर कर दिया है. द थिंग इज दैट कि वो वीडियो जो है ना, वो इतना वायरल हुआ है शायद, और वो दूसरे ऑर्गेनाइजर पैजेंट के इधर चला गया है, और वो इतना वो वायरल हो गया है वीडियो, तो सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मिस एंड मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया की एंड अखिलेश जी की. तो जैसे दीप्ति जी ने भी बोला है कि यस, मतलब बहुत हम लोग ने हार्डवर्क किया था, एंड यस एट द एंड सक्सेसफुल इवेंट हुआ, इट वॉज वेरी सुपर हिट इवेंट. तो थैंक्स अखिलेश जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. अखिलेश जी, काफ़ी अच्छी ग्रूमिंग आप लोगों ने करवाई आपकी टीम ने, तो आपने क्या गिफ्ट दिए आपके टीम को? वही गिफ्ट है कि आगे भी हम इसके अलावा अब इंटरनेशनल ब्यूटी प्रेजेंट के लिए हम लोग जा रहे हैं. अभी तो हमने कल क्वीन ऑफ इंडिया किया था, अब इंटरनेशनल के लिए जा रहे हैं, तो यही सब मॉडल्स आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे जिनको इंटरेस्ट होगा आगे जाने के लिए. साथ ही हम अपने विनर के लिए आज अनाउंस करना चाहता हूँ कि मेरे कंपनी उनको एक वीडियो लॉन्च कर रही है, टी सीरीज का जो गाना है, रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और हमारे विनर को जो मिस विनर है, मिस में जो विनर है, उनके लिए हम एक गाना करने जा रहे हैं गोवा में, अगर उनको कोई आपत्ति ना हो तो. और इस तरीके का कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे, हम मिलजुल के करेंगे कोई. मैम क्या कहना चाहिए, जैसे सर ने बताया काफ़ी वायरल हो चुका है जो रैंप वॉक की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ अगर जिस तरह से सवालों के जवाब भी काफ़ी काबिल तारीफ की, उसको लेके आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा लगा सबसे पहले, क्योंकि जब अपना काम बहुत वायरल होता है ना, और वो वीडियो वायरल होने के
अपने काम को जब लोग भी बोलते कि वाह आपका वीडियो हमने यहाँ पर देखा, ये देखा, बहुत अच्छा लगा, और सबसे जैसे सिद्धेश ने भी बोला और मैं भी बोल रही हूँ, वेरी 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 थैंक यू टू अखिलेश जी, बिकॉज ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी. ऐसे कभी उन्होंने, जैसे ऑर्गेनाइजर्स बातें करते हैं, उन्होंने कभी वैसे हमारे साथ नहीं बातें किया, हमेशा हमें कंफर्ट जोन दिया है, हमेशा फ्रेंडली बात किया है, हमारे सजेशंस को भी उन्होंने अपनाया है और उनके सजेशन ने भी, इसकी वजह से ही ये जो सक्सेसफुल इवेंट हुआ है, इसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि बहुत अच्छा इनके इनका भी सपोर्ट रहा. थैंक यू. ये बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली अखिलेश जी ने जो दिया है विनर्स को, तो आई थिंक इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी कोई भी पेजेंट में देने से. और जैसे आपने बताया कि वादे तो बहुत होते हैं लेकिन फिर बाद में वो वादे फुलफिल नहीं होते हैं, तो यस, यही अखिलेश जी सर का लाइक सबसे प्लस पॉइंट है कि जो बोला वो किया. आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आपकी फीचर होगी गाने में आने वाले दिनों में? हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम लोग श्योर पार्टिसिपेट करेंगे. अखिलेश जी क्या होने वाला है गाने को लेकर, कुछ आप बताइए नेक्स्ट मंथ हम लोग जाने वाले शूट के लिए, और गोवा में शूट होगा और काफ़ी ग्रैंजरस वो गाना होगा, और मेरे ख्याल से जब वो आएगा तो लोग उसको पसंद भी करेंगे. गाना बहुत पावरफुल अच्छा है गाना, और बस ये है कि अभी थोड़ा सा हम लोगों को काम रह गया था, बाकी वो सब पूरा करके शूट के लिए निकलना है नेक्स्ट मंथ. ऑडिशन ऑनलाइन होने वाला है, और मलेशिया, सिंगापुर, दुबई और यूएसए, यूके से भी लड़कियां आ रही हैं, और ख़ास करके हम इंडियन लोग हैं और आत्मनिर्भर भारत जैसे मोदी जी कहते हैं, तो हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे इंडियन लड़कियों को, अपने लड़कियों को, अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करेंगे. एकाध नाम के लिए हर देश से एकाध लड़कियाँ रखते, क्योंकि इंटरनेशनल है तो रखना पड़ेगा, इसलिए मजबूरी है. लाइफ तो बहुत चेंज हो गई, बिकॉज पहले जो लोग मुझे जानते नहीं थे अब वो मुझे सडनली जानने लगे हैं, सो एक वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग भी आने लगी कि या मतलब मैं भी काफ़ी ऐसे फेमस हो रही हूँ लोगों में. और द बेस्ट पार्ट इज़ के इस पैजेंट के ज़रिए बहुत सारी लड़कियाँ, स्पेशली हाउस वाइफ्स, बिकॉज मैं एक मिसेज हूँ, सो वो हाउस वाइफ मुझे देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई. सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि एटलीस्ट मैं लोगों को इंस्पायर भी कर पाई. सो या इट्स अ ग्रेट फीलिंग. मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, देन इट्स आई फील प्राउड कि आई हैव अचीव्ड समथिंग फॉर माई सेल्फ. हाँ, नथिंग, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट डिपेंड्स अभी जो अपॉर्चुनिटी आए हाथ में उस हिसाब से वी विल डिसाइड. अभी तो मुझे पहले मेरे 12th पे फोकस करना है, एंड आफ्टर द बोर्ड्स इफ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिला आई विल डेफिनेटली ग्रैब इट. आप क्या कहना चाहेंगे विनर्स? यस, हार्डवर्क पेज, और वो आपको, आपने जो हार्डवर्क किया, जो डेडिकेशन से दिया, आज आपको उसका रिजल्ट मिला है. एंड यस, आगे भी इस तरह से आप आगे बढ़ते रहो, ऐसे नहीं कि एक क्राउन मिल गया और आप बैठ जाओ, बहुत वो, क्योंकि ये क्राउन बहुत प्रेशियस है, ये क्राउन सभी को नहीं मिलता है. आपको ये क्राउन मिला है, पूरा उसका फ़ायदा उठाइए. आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटी, मैंने सुना हुआ है कि आप दोनों को बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं आफ्टर दिस, ये इनको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आए, क्योंकि बड़े बैनर के थ्रू से, अगर आप कोई बड़े बैनर के थ्रू से पैजेंट में कुछ टाइटल जीतते हो तो उसका बेनिफिट भी बड़े बड़े मिलते हैं, तो ये इनका प्रूफ है, राइट? एक्चुअली मेन थिंग है ना, जब इनका क्राउनिंग हुआ था मिस एंड मिसेस का, तो
तो हम लोग से पहले ज्यूरी ने और ऑडियंस ने ही लाइक वन वन करके ये किया था, तो सबको पता था कि दे आर वेल डिजर्व्ड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये इनको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी अखिलेश जी ने जो प्लेटफॉर्म दिया इनको, जे इनकी एक्सपोजर हुआ है और जो इनकी शुरुआत हुई आई थिंक वो बहुत अच्छी हो रही है अभी। एंड आई थिंक सो ये दोनों का पहला ही क्राउन था, वो भी अखिलेश जी सर का बैनर इनके इवेंट के थ्रू से। तो जब शुरुआत ही इतने अच्छे से होती है तो इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम खीर पंचाल। नमस्ते, मेरा नाम खीर पंचाल है और मैं मिस क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। थैंक यू। हाय, मेरा नाम प्रियंका छेड़ा है और मैं मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की विनर हूँ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाय, I am Meenal Sawan and I am the first runner-up of Mrs. Queen of India 2021. Thank you. Hello, mera naam Yashika Dugat and main Miss Queen of India 2020 ki first 2021 ki first runner-up. Kitni excitement here, kitni life aap dono ne change after getting the pageant? After winning the pageant, the life has changed, like bahut changes aa gaye. Hum well known ho rahe hain on social medias and yeah, बहुत confidence आ गया है। Actually, I am an IT professional and my life roams around coding and all, but thanks to Akhilesh sir and Dipti ma'am and Siddhesh sir for giving me this opportunity. After winning this pageant, I feel like I feel like I am the heaven and it's a dream come true. It's something different in my life what I have achieved. जैसे आपको first runner up आपको घोषित किया गया, what was your reaction that time कि हाँ मैं runner up घोषित हो गई, क्या था? सबसे पहले जैसे ही नाम सुना दो मिनट के लिए like realize करने को time लगा and then बहुत खुशी, it's like जो सपने देखे थे वो धीरे धीरे prove हो रहे हैं true होना। एंड यस, आगे भी बहुत एक्साइटमेंट है, आगे क्या होता है। आगे की क्या प्लानिंग है मैम आपकी, क्या कोई टेलीविजन सीरियल आप करेंगे या फिल्मों में आप अपना करियर बढ़ाना चाहिए? दिस इज माई पैशन अलॉन्ग विथ माई आई टी करियर। इफ आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी आई विल डेफिनेटली ग्रैब इट। आपका क्या प्लानिंग है आगे, कोई रियलिटी शो करना है या कोई मॉडलिंग के लैक में फैशन वीक में आगे? मैं फिलहाल 12th में हूँ, सो थोड़ी एग्जाम्स पे फोकस है अभी। एंड यस, आई फील हैप्पी डूइंग दिस, तो मैं डेफिनेटली आगे इसको कंटिन्यू करूँगी एंड जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मॉडलिंग फोटोशूट उसमें डेफिनेटली पार्ट लूँगी। फर्स्ट रनर अप के कंटेस्टेंट के लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एंड यस, जैसे मैंने आगे भी बोला वैसे मैं आपको भी यही बोलती हूँ, जो क्राउन मिला है, जो आपको मिला है वो उसके वो जो प्रेस्टीजियस क्राउन है, तो आप उसको लेके बहुत आगे बढ़िए एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऑलरेडी आपने ग्रूमिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन आगे के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक्चुअली बहुत लोगों को पता रहेगा केंडल जेनर जो सुपर मॉडल है, तो इसको मैंने नाम दिया है केंडल जेनर। बहुत इसका वॉक रिजेंबल्स टू केंडल जेनर, तो बहुत अच्छा इसका रनवे वॉक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एंड यस, इनको बहुत अभी अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, सो यस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। माई नेम इज़ मिकिता निसार और मैं मिसेस क्वीन ऑफ इंडिया 2021 की सेकेंड रनर अप हूँ और मुझे आज क्राउन दिया गया है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। हम लोग को जो ड्रीम्स थे वो और बढ़ने लगे हैं और हम लोग को मोटिवेशन बहुत मिल रहा है कि नाउ आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। माय नेम इज़ रुक्मिणी पिथे एंड आई एम सेकंड रनर अप ऑफ मिस इंडिया क्वींस 2021। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक अखिलेश सिंह सर फॉर गिविंग अस सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी,
बिकॉज उनके वजह से ही टुडे वी आर हियर एंड वी ऑल कैन फील दिस सच अ वंडरफुल फीलिंग. थैंक यू. What was your reaction about your family? Family का क्या reaction है? आपके friends, social media में आपने तो डाला ही होगा अपने इस pageant को लेके, क्या reaction आ रहा social media में आपके? बहुत बहुत ज़्यादा fame मिला, बहुत like everyone was very happy for us, confidence and बहुत amazing response मिला सब के साथ. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? Now they are asking next कब है, हम लोग को भी participate करना है. So everybody is motivated और हम लोग को motivation बहुत किया हुआ है. Thanks a lot for that also. मैम जैसे कि आपने grooming बहुत ही अच्छी की, मुझे misses को कितना मुश्किल होता है कि घर संभालते हो और एक connected से दूर रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको grooming करना कितना? Yes, miss को बहुत आसान होता है grooming करना, बट मिसेस को जैसे घर का संभालो, अगर वो प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन का संभालो, वो सब काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माइंड में चलती रहती है. और वो माइंड पे जब हम हमारा इंस्ट्रक्शन देते कि आपको ऐसे वॉक करना है, ये करना है, वो दो चीज़ों को लेकर ये तीसरा इंस्ट्रक्शन भी उनको दिमाग पे रखना है, तो समटाइम्स थोड़े स्टार्टिंग में ऐसे होता है कि वो लोग कन्फ्यूज होते हैं, बट देन धीरे धीरे वो लोग ऐसे बोलते कि यस दिस इज़ वेरी ईजी और यस हम लोग ये कर सकते हैं, तो अच्छा है. इनफैक्ट हमें अच्छा लगता है मिसेस को सिखाने के लिए, क्योंकि हमें भी हमारे लिए भी वो चैलेंज है. यस आखिर में ये सवाल पूछना चाहूँगा, गणेश चतुर्थी आने वाला है तो क्या आप लोग कोई फीचर सॉन्ग करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के लिए? पूरा जो पेजेंट आपका था, ग्रुप था, क्या ऐसा कोई सॉन्ग होगा प्ले सिंग के साथ या कुछ आप लोग करेंगे? इफ सो गिव अस अ अपॉर्चुनिटी, वी वुड डेफिनेटली लव टू. सर क्या कहना चाहिए, आगे की क्या प्लानिंग है? यस हम लोग डेफिनेटली, हमारा बात हुआ था टू विजिटिंग ऑर्फनेज एंड NGO एंड ऑल, तो डेफिनेटली हम अपने विनर्स के साथ वहाँ पे विजिट करेंगे एंड वी विल सेलिब्रेट देयर विक्ट्री विद देम.